क्षतिग्रस्त कर दिया तो वहीं पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित निर्मला कुमारी ने बताया कि बीते दिन अचानक मुरारी यादव व उदय यादव अपने एक दर्जन से अधिक की संख्या में असामाजिक तत्वों को घर पर आकर जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए गाली गलौज किया। मना करने पर कहा कि मकान की दीवार तोड़ देंगे क्योंकि दीवार उसके जमीन में है। वही मुरारी यादव पुलिस जवान का धौंस दिखाते हुए अपने खिड़की के सामने की दीवार को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अपनी खिड़की खोलने के लिए दूसरे की दीवार तोड़ी जा रही है। तारीख के मेरे पास गिरी प्रवेश था और ये अचानक ऊपर से मतलब 29 तारीख को सब विदा ही होने वाले थे कि सुबह ऊपर से ईंटा तोड़ने लगा हथौड़ा से। मेरी सासू माँ यहाँ पर थी, पूजा के सामान बटोर रही थी सुबह होके, किसी को चोट हो गया माँ के कंधे पर लगा, सर थोड़ा सा के बच्चा कंधे पर कंधा में चोट आ गया, ईंटा से ऊपर से गिर गया। तो मम्मी चिल्लाने लगी, वो हल्की ऊपर से कोई तोड़ रहा तो सब मिल के ऊपर गए, समझौता भी हो गया उसके मामले में, लेकिन फिर भी मतलब मान भी गया। अब बिहान होकर फिर वो ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, बोला कि मेरा जमीन का दीवार। वीडियो मेरे पास हो रहा है, क्या चाहते हैं आप? हम फैसला चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। मतलब कमजोर है जात के बनिया है तो मतलब वो सताएगा यादव होके? सदन को सजा दिए हैं? हाँ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला कुमारी। कहाँ रहते हैं? रहते हैं भौरा बीघा। 22 तारीख को मेरा गृह प्रवेश था, 29 तारीख को सुबह में पीछे से दीवार जो है ऊपर से क्या हुआ कि परिवार को लोग को विदा कर रहे थे तो हमें दीवार तोड़ना शुरू कर दिया अचानक बोलता है कि मेरे घर जमीन में तुम दीवार खड़ा कर दियो। अगल बगल के कुछ लोग आए, उन लोग 8-10 आदमी के साथ आया, घर में घुसा, बुरा बोलने लगा, जाति सूचक करने लगा कि बनिया में तुम फूलल हो, जाति सूचक का नाम ले लिया। हाँ जाति सूचक का नाम ले, बनिया में तुम फूलल हो, तुमको मार के बर्बाद कर देंगे, हम यादव हैं से बोलने लगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब उस दिन बगल बगल के लोग कुछ समझा बुझा के उसको शांत किए तो पुनः 30 तारीख के सवेरे 8:30 बजे उन्होंने यहाँ पर ड्रिल मशीन लगा कर करके उन्होंने पूरा मेरा दीवार को तोड़ दिया। यहाँ पर आगे में मेरा बाथरूम है, मेरा बगल में किचन है, ठीक है, उसका कोई ज़मीन नहीं निकलता है। मैंने बोला उसको कि तुम ज़मीन को माफ़ी करवा लो उसके बाद तुम तोड़ो, लेकिन उसने कहा कि हम ज़मीन का माफ़ी नहीं कराएंगे, तुम करवाओ। अचानक तोड़ दिया। एक सवाल आ रहा है, जब आप घर निर्माण करा रहे थे उसमें किसी तरह का? उस समय कोई कुछ नहीं, मेरा घर निर्माण होने में भी 8-9 महीना टाइम लगा, उस समय कोई कुछ नहीं बीच में आया, कहीं से कोई विवाद खड़ा नहीं किया। इस संबंध में थाना को सूचना दिए हैं? था संबंध में थाना सूचना दिए हैं। क्या कार्रवाई मिली थाना तरफ से? जब यहाँ जाँच में आया तो मिलाने का कोशिश उन लोगों ने किया, जब इन लोग गया वहाँ मिला लिया, मिल गुल गए, मतलब बातचीत कर लिया, बोला कि हम इस दीवार तोड़े हैं, गलती हमसे हो गया, उसका एक्सेप्ट किया कि गलती हमसे हुआ है, दीवार हम खड़ा कर देंगे, उन्होंने दीवार खड़ा नहीं किया। जब हमने उसको बोला तो बोलता कि मादा चो नहीं खड़ा, तुमको कंप्रोमाइज करने की वजह से हम तुमको से खाली करवा कंप्रोमाइज किए हैं, हम दीवार खड़ा नहीं करेंगे, जो करना है तुम करो। फिर आप थाना को सूचना दिए कि इस तरह की बात बोला जा रहा है? इस बार को थाना को सूचना अभी तक नहीं दी, लेकिन हाँ दे दिए हैं सूचना। दे दिए हैं जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसका सही से कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं माड़नपुर ब्रह्मचारी बाबा रोड में, मेरा घर है, दुकान मेरा यहाँ पे है, जगजीवन कॉलेज के, हम स्टूडियो के बिजनेसमैन आदमी हैं, बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं। ये जगह कहाँ पे है? ये जगह बहोरा बीघा है, जहाँ घटना घटा, बहोरा बीघा मुफस्सिल थाना मानपुर में पड़ता है, चमुंडा स्थान मंदिर के पीछे। तो तोड़ने वाले थे कौन कौन थे, क्या नाम? तोड़ने वाले मुरारी यादव थे, और मुरारी यादव तोड़ने वाले थे और उदय यादव थे। सरकारी? हाँ सरकारी, वो अपने आप कहते हैं कि से हम एसपी का बॉडी गार्ड हैं, जो जिला का, तो हम जिला के मालिक के साथ तो हम अपने खुद रहते हैं, तुम क्या हमारा बिगाड़ेगा। रक्षक हो क्या?